नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है संजीत और मैं आपका होस्ट हूँ। मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको उदयपुर सिटी पैलेस। हम खड़े हैं मर्दाना महल में और आज हम इसी वीडियो में आपको जनाना महल भी दिखाएंगे। इस वीडियो में गाइड साहब बता रहे हैं कि रानी साहिबा यहाँ पे खड़े होकर राजा साहब को देखा करती थी नीचे, और काफ़ी सारे लोग होते थे। ये कलरफुल शीशे हैं यहाँ पे, देखिए इनसे नीचे देखा करती थी ताकि कोई उनको देख ना सके और वो चुपके से अपने राजा साहब को देख सकें। और देखिए यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारी पेंटिंग्स हैं राजा साहब के शिकार खेलते हुए की, अलग अलग समय की पेंटिंग्स हैं। और ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं, बहुत ही एक स्पेशल चीज़ होती है जो कि होता है गिलहरी की जो पूंछ होती है ना, वो सिर्फ बाल होता है, उसके ब्रश से ये पेंटिंग्स बनी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, एक से एक पेंटिंग है, अंदर सोनार तक लगा हुआ है। आने वाली पेंटिंग्स मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। तो यहाँ से अब हम ये वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अभी तक नहीं किया है तो वीडियो शुरू करते हैं। राइट, इसको बोलते हैं शिष्य माया। राजा ने रानी को खुश करने के लिए राज का बेडरूम बनाया। और गाइज ये जो गाइड साहब बता रहे हैं, ये है शीश महल। शीश महल इसलिए बिकॉज ये शीशे का बना है पूरा, बेल्जियम का कांच लगा हुआ है इसमें, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब जगह। और देखिए जो दरवाज़ा जो है ये आइवरी है, हाथी के दांत से बना हुआ है। हाथी को मारा नहीं जाता था, इसके पीछे कहानी है, बाद में बताएंगे। और देखिए इसमें क्या होता था कि फ़ायदा क्या होता था, सर्दी के टाइम पर अगर आप मोमबत्ती जलाएंगे तो वो मोमबत्ती जो है ना, आप पूरे कांच को गर्म कर देती थी, पूरे रूम को, और आराम से आपको ना गर्माहट मिलती थी। तो रानी जी के लिए बनवाया गया था बड़े प्यार से राजा साहब की तरफ से तोहफा। फोटो नहीं देना, और गाइस अब जिस हॉल में मैं खड़ा हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉल है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो फ्लैश करना मना है, क्योंकि जब आप फोटो खींचते हैं तो फ्लैश आता है ना, वो फ्लैश लाइट डालना ये सब मना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पेंटिंग्स बनी है, जो कि महाराणा भीम सिंह 26वें महाराणा जो थे, उन्होंने जो ये पेंटिंग्स बनवाई हुई हैं पोलो खेलते हुए और अलग अलग होली खेलते हुए, दिवाली बनाते हुए, बहुत सारी पेंटिंग्स हैं अलग अलग, इन सब में सोना लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए महाराणा भीम सिंह अपनी 16 रानियों के साथ होली खेल रहे थे। भीम सिंह ये घूमर डांस करते हुए वो जग मंदिर जी, ये सारा गोल्ड है, गरीब आदमी है तो क्या ठीक है जैसा चल रहा है। उस टाइम में फोन तो होते नहीं थे, इस वजह से पेंटिंग्स के थ्रू ही लोग अपने लोगों को याद रखते थे और अपनी बातों को अगली जी पीढ़ियों तक पहुंचाते थे। ये महाराणा फतेह सिंह जी की फोटो देखिए, इन्हीं के नाम पर फतेह सागर लेक है। 105 फीट के ऊपर जी, इसको बोलते हैं चीनी की चित्रशाला। ये चाइना की टाइप है, ये होलैंड डच का टाइप है। उस समय व्यापारी लोग जो आए थे ना वो लेकर आए थे। ये 1712 में लगी हुई टाइप है। अरे हो, ये हमारा यहाँ का लाइब्रेरी है, उदयपुर का सबसे पहले लाइब्रेरी। यहाँ पर कविराज श्यामलदास जी ने बैठकर वीर विनोद का किताब लिखा, पूरा मेवाड़ का इतिहास लिखा। ये केरोसिन का पंखा इटली से मंगाया हुआ, 300 साल पुराना पंखा। इसमें केरोसिन बनने के बाद स्टीम जो खराब होगी ना, ये बाप से चलने वाला है। सो गाइस, गाइड भैया यहाँ पे बता रहे थे कि जैसे जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, जोधपुर को ब्लू सिटी बोलते हैं, जैसलमेर को येलो सिटी या गोल्ड सिटी बोलते हैं, उसी तरीके से उदयपुर को भी वाइट सिटी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ वाइट ही वाइट है। राजपूत किंग्स होते थे ना, वो अपने जो महल फोर्ट्स होते थे वो वाइट मार्बल से बनवाते थे। और इस टाइम जो हम खड़े हुए हैं 105 फीट की हाइट पर खड़े हुए हैं, और यहाँ से हमें दिख रहा है करणी माता का मंदिर। ये देखिए सामने जो पहाड़ है इसके टॉप पर है करणी माता का मंदिर, और यहाँ से बहुत ही सही नज़ारा दिख रहा है। नीचे कंस्ट्रक्शंस हैं, और ये लेक पिचोला राइट साइड में पड़ेगी जहाँ पे हम पहले गए थे और हमने बोटिंग भी की थी पिछली वीडियोस में, आप देख सकते हैं। ये अभी जो आप देख रहे हैं ये इवनिंग में लाइट शो होता है, ये है दीवाने आम इसको बोलते हैं, और ये होता है आम लोगों के लिए। यहाँ पे लाइट शो होता है। उदयपुर सिटी पैलेस के 2 मेजर व्यूज़ हैं, एक अभी अभी हम देख रहे थे जो कि था सिटी व्यू, और ये दूसरा हम देखने जा रहे हैं ये है लेक व्यू। ये पीछे लेक पिछोला है जो कि बहुत ही फेमस लेक है, यहाँ पे बहुत सारी 5-स्टार प्रॉपर्टीज हैं। वो देवीलाल ट्राइडन है और वो जगमंदिर, मतलब कोने कोने से पूरा व्यू हर तरफ से है। ये लोग 7-7 फुट के लोग इनमें से कैसे निकलते होंगे यार, इनके तो सेनापति भी 7-7 फुट के ही होते होंगे, और मेरी हाइट 5-6.5 है उसके लगभग, और वो भी टच हो रही है, मतलब भगदड़ मच जाए यहाँ पे, तो गड़बड़ है।
अंदर ही अंदर छोटे छोटे पतले पतले रास्ते बनाए हुए हैं। बहुत गजब का सीन है, मोती महल। जब नीचे होली दिवाली सारा जो प्रोग्राम होता है ना, उस समय रहने के लिए पर्दे होते हैं, रानी को कोई नहीं देख सकता। तो रानी यहाँ से अलग अलग किला से देखती थी, अलग अलग कलर से। ये रानी के लिए हवा करने का पंखा, उसमें बिजली नहीं होती ना, दासी यहाँ से डोरी पकड़ कर खींचती थी। ये दोनों दरवाजे हैं ना, ये आए मेरी हाथी के दांत के दरवाजे, पहले एक डोर यहाँ लगा होता, एक अंदर होता। हाथी के दांत के डोर हाइब्रिड हो, पहले इनके एलिफेंट होते थे ना, तो एलिफेंट की डेथ हो जाती है, इस तरह यूज में लेते थे, एलिफेंट को मारते थे। अच्छा, ये आइवरी डोर्स जो हैं ये हाथी के दांत से बने हुए हैं। और ये हाथी के दांत आते कहाँ से थे? तो गाइस मैं बता दूँ, इसके लिए कोई अलग से हाथियों को मारा नहीं जाता था। जब हाथी बूढ़ा होके मर जाता था, उन हाथियों के दांत निकाल के उनको प्रोसेसिंग करके और ये दांत बनाए जाते थे, दरवाजे बनाए जाते थे। और गाइस अब हम आ पहुँचे हैं महारानी के मेकअप रूम में। ये देखिए, झूले पर झूलते हुए महारानी मेकअप कराती थी। और इसके साइड में ही महाराणा जो होते थे, महाराणा भीम विलास बोलते हैं इसको। यहाँ से जब हम एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं अंदर, देखिए कितना अच्छा कलर किया हुआ है ब्लू अंदर, और ये पंखा और पेंटिंग्स ऊपर छत में भी। और ये देखिए यहाँ पर महाराणा बैठ के टाइम पास किया करते थे। और ये देखिए, ये है चौसर, वो उधर वाले रूम में लूडो खेलते थे, मतलब बैठ के यहाँ पे हुक्का पानी मटर गस्ती करना। और साइड में रानी जी जो है वो अपना मेकअप कराती रहती थी, मतलब चिट चैट करते रहते थे। चौड़ाई देख रही है इसकी, कैरल भी देख रही है कैसे निकला जाए। आओ भाई, ये लक्कड़ के दरवाजे, उनके 16 रानी थी, 16 रानी, 16 रानी के लिए 16 खिड़की है। अच्छा। सूर्य उदय इधर से होता ना, तो यहाँ से सूरज के दर्शन किया करते, इसको बोलते हैं सूर्य पर्दा, तो सोने जाने के लिए सोने की। ये है महाराणा गोपाल सिंह जी, अभी के महाराणा अरविंद सिंह जी के दादाजी। उधर आपको बताया ना, महाराणा फतेह सिंह जी ये उनके लड़के हैं। अच्छा। वो पढ़ता था, ये दादाजी लास्ट महाराणा इस म्यूजियम में रहने वाले, यही है महाराणा भोपाल सिंह जी। 1955 तक यहाँ पर रहे थे, उसके बाद में इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया और इनका रेजिडेंस उधर हो गया। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के टाइम पे गवर्नमेंट को हेड ऑफ इन्होंने किया था, तो गवर्नमेंट इनको सालाना खर्चा देती थी। ये महाराणा भोपाल सिंह जी जो है ना, 18 साल की उम्र में हैंडीकैप हो गए, ये पोलो खेलते हुए होश से गिर गए थे, तो ये पहले से सो गए थे। तो इधर इनका व्हीलचेयर है, इधर इनका बेडरूम है, इधर इनका टॉयलेट है। 1940 में इनकी लिफ्ट लगा दी, ये 1940 की लिफ्ट है। इन्हीं के नाम से हॉस्पिटल, कॉलेज वगैरह, हॉस्टल वगैरह जो है ना, वो सारा इन्हीं के नाम पे। तो इन्होंने बहुत से सारे अच्छे कार्य किए। लिफ्ट कहाँ पे? ये लिफ्ट अभी भी चालू है, अभी भी चालू है। नीचे से कोई ऊपर आता ना तब खुलती है, उस समय में रस्से से खींचते हुए बाद में बिजली आ गई, बिजली में कट दिया। अच्छा, पहले हाथ से खींचते थे। ये लिफ्ट और ये जॉब के लिए, किसके लिए? हंसी मजाक के लिए। अच्छा। ये खुलेगा नहीं, क्योंकि ये पत्थर है, ये इसे लगता ना जैसे ये बंद है बिल्कुल। हाँ, ये पत्थर है, पत्थर है, जॉब के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। कंफ्यूज हो जाएगा बंदा, इधर या इधर, टकरा जाएगा। राइट, टेक्नोलॉजी के साथ सोच के काम किया हुआ। ये नकली एक डमी डोर बनाया है और ये असली लिफ्ट है। 1940 सूर्य उदय होता तो यहाँ बैठते। गाइड भी ये बता रहे हैं कि जो महाराणा होते थे वो सूर्यास्त होता था तो वहाँ सामने, और सूर्योदय सुबह मॉर्निंग में वो यहाँ बैठते थे। यहाँ से शहर का व्यू आता है, और कितना सुंदर रूम बनाया हुआ है। देखिए, पेंटिंग है एक जिसमें इन्होंने शिकार किया हुआ है, और वहाँ पे राजाओं की टीम है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से राजाओं का जीवन हुआ करता था, महाराणाओं का जीवन होता था। और वो इवनिंग में बैठने का पॉइंट है जहाँ से लेक पिचोला का व्यू आता है। और
वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा इस महल का। लहरिया बांधनी, ये ऐसे लगता है लहरिया बांधनी, लहरिया ये ऐसे लगता है जैसे ओरिजिनल साड़ी है। जी जी, ये ओरिजिनल साड़ी नहीं है, ये पेंटिंग है। हाँ ये पेंटिंग है, ये ऐसे लगता है जो बाजूबंद वगैरह दिख रहा है ओरिजिनल हो, ये ओरिजिनल नहीं है। नीचे नीचे भी मतलब देखो सारा पेंटिंग टाइप में बना हुआ है पूरा। महाराणा जो थे वो भोजन करते थे सूर्य के दर्शन करने के बाद, क्योंकि सूर्यवंशी थे। अब कभी मौसम ख़राब हुआ तो क्या करते थे कि इन्होंने ये सूर्यदेव बनाए थे यहाँ पे, इनके दर्शन करके वो खाना खा लेते थे। इस तरह से वजन चेक, वेट चेकिंग मशीन, महाराणा भोपाल सिंह जी का वजन करने का कांटा। सब वही पुराने टाइम का है। ये किस चीज की लकड़ी होगी? जैसे ये सागवान की लकड़ी होगी, सागवान होता है सागवान। अच्छा, एक लिफ्ट यहाँ पे है, एक ऊपर है, वो फ्लोर वाइज हो गया ना। तो क्या बोलते हैं, मोर चौक डांसिंग हो। Okay. ये सारा कांच के मोर बने हुए हैं, इसको डांसिंग है। घूमर वगैरह का डांस का जो प्रोग्राम होता है ना, हाँ जी, तो यहाँ डांस का प्रोग्राम होता है। महाराणा यहाँ ऊपर बैठते हैं, सोलह रानी दोनों तो खिड़की से देखती, आठ रानी इधर आठ रानी मेरे हिवड़े में नाचे मोर का गाना भी यही शूट हुआ, गाइड देवानंद पिक्चर का, ऐसे बहुत सारे पिक्चरों का होता है। अच्छा, हाँ अभी बहुत सारे पिक्चरों का होता है, प्रेम रतन धन पाया, ऐसे बहुत सारे पिक्चरों का। अच्छा, वो भी यहीं पे हुआ है। यहाँ बैठकर भोजन करते हैं, सामने सूरज के दर्शन करने के बाद में उसको बोलते हैं माणक मोर, माणक महल डाइनिंग। यहाँ पर भोजन करते हैं, सामने सूरज के दर्शन करते हैं, ये है डाइनिंग। जब बारिश बदल होती है सूरज के दर्शन नहीं होते ना, तो सामने बैठकर माणक दर्शन करने की पूजा पाठ करने के बाद में यहाँ बैठकर भोजन करते हैं। बंदेज की साड़ी बांधने की बोलते ना जी जी, ये बांधने की है। ये पेंटिंग बना हुआ उसी समय का डोर है। ये देखो अभी शेर है हंसता हुआ, आपने कभी हंसता हुआ शेर नहीं देखा। हाँ ये हम आप बुरा मत माना, हमने जोक के लिए बनाया। हाँ। ये शेर इस पे हंस रहा है अभी तो, कुंवारा इसकी शादी। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ये था मर्दाना महल। तो मतलब कुंवारा है, शादी नहीं हुई इसलिए हंस रहा है, मतलब खुश है और समझदार है। तो भाई अभी तक हमने मर्दाना महल से, अब मर्दाना महल से हम जनाना महल में एंटर करने जा रहे हैं। चलो, जहाँ पे सन टेंपल बनाया है और खाना खाते खाने की जगह है इनकी, यहाँ से अब जनाना महल के लिए एंट्री हो रही है। वे टू जनाना महल, क्वींस पैलेस। वेंटिलेशन है, रोशनी, अच्छा रोशनी, शीशा लगाया हुआ, बल्ब वगैरह तो होते नहीं थे ना, बिजली नहीं होती थी। और गाइज ये इतना बड़ा महल है ना, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट महल है। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए आपको ऐसे छोटे छोटे पतले पतले संकरे नैरो रास्तों से गुजरना पड़ता है, और ये एक अमेजिंग अपने आप में एक एडवेंचर है। मतलब ये हवा के लिए जालियां हैं, सब पुराने टाइम की हैं। ये सारा चूना पत्थर है, ये कोई मार्बल नहीं है, ये चूना पत्थर है। अच्छा, ये उसी में किचन के बर्तन ऊपर के इतने बड़े बड़े। सो गाइस ये वो बर्तन है जिसमें 400-500 साल पहले महाराणाओं का खाना बना करता था। मैंने इनको छू के देखा, कसम से फीलिंग आ जाती है वो पुराने वाली, एक मतलब एहसास होता है जब आप ऐसी चीज़ों को देखते हैं। आपको आना चाहिए उदयपुर सिटी पैलेस, बहुत ही अलग अलग किस्म की चीज़ें हैं। इस टाइम हम किचन में खड़े हैं और आगे भी जाके जो हमारे गाइड साहब हैं वो बता रहे हैं, मेरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे किस तरीके की एक लेडीज़ किचन जिम भी है, लेडीज़ जिम बोलते हैं उसको, और देखते हैं। चलिए आपको बताया था ना, माना भोपाल सिंह जी का जी, उनकी वाइफ थी राजमाता गुलाब।
जी वो कृष्ण भगवान के भक्त थे, तो रानी खुद अपने हाथ से कृष्ण भगवान के लिए प्रसाद बनाती थी भोग के लिए। ये चिमनी धुआं निकलेगा, ये चिमनी है। इस किचन को 1973 तक यूज किया हुआ जी, 1955 में उनकी डेथ हो गई, उसके बाद में इसको 1973 तक यूज किया हुआ। ये सारा लेडी थी, उस समय ताकत का काम होता ना, मट्टी पीसना, छाछ पेरना, ये सारे पुराने बर्तन मसाला वगैरह। लेडीज जिम बोलते हैं इसको। हाँ, इसको देख के तो पुरानी वाली एकदम फील आ गई, पुराना समय बहुत अच्छा लग रहा है यार। अमेजिंग। आटा चक्की पीसने वाला, ये छाछ मट्ठे वाले वही होंगे ना। ये राजमाता गुलाब कुमार का बेटू, वो कृष्ण भगवान के भक्त थे ना जी, और गाइस अभी जो हम देख रहे हैं इसे कहते हैं ब्रज विलास। ये एक बेडरूम है, और ये किनका बेडरूम है, ये यहाँ की आखिरी राजमाता जो थी श्रीमती गुलाब कुंवर जी, ये उनका बेडरूम है। 1928 से 1973 तक ये यहाँ पे रही हैं, 1973 तक। और उसके बाद में देखिए एक अंदर आप क्या चीज़ों को देख के, पंखे, और ये देखिए यहाँ से भाप वाला पंखा दिखेगा राइट साइड में, ऊपर झूमर है, और ये देखिए ये झूला है कान्हा जी का। तो इस तरीके से मतलब इनका जीवन व्यतीत हुआ यहाँ पे। जहाँ पे अभी मैं हूँ ये है फोटो गैलरी, और यहाँ पर दिखाया गया है कि जो महाराणा हुआ करते थे उनका जो लाइफस्टाइल हुआ करता था, जिस तरह वो रहते थे, जो खाते थे, जिसमें खाते थे, जिस क्या पहनते थे, किस में आना जाना करते थे, तो वो सारी चीज़ें उनके जीवन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें जो इस महल में अभी भी हैं, वो सब की फ़ोटो, पेंटिंग्स, वो सब यहाँ पे गैलरी के हिसाब से लगाई गई हैं। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, इनको पर्सनली देख सकते हैं, इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, अपना काफ़ी टाइम आप आराम से यहाँ पे बिता सकते हैं अगर आपको हिस्ट्री और हिस्ट्री रिलेटेड फैक्ट्स में रुचि है तो। और देखिए यहाँ से अब हम निकलेंगे थोड़ी देर में, सारा चीज़ें हमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा था इनको पढ़ने में। तो ये पूरा पब्लिक वगैरह सब आते हैं, उसमें टिकट होगा, ये लाइट एंड शो शाम को इस तरह से होता है। हर चीज़ का मतलब एक ओरिजिनल है और एक उसकी पेंटिंग है, ये चीज़ हम देख रहे हैं ताकि ये, और असली तो मतलब इसमें बड़ा अच्छा लगता है। ये ओरिजिनल है। हाँ, ये ओरिजिनल है। महाराजा मानसिंह टू ऑफ जयपुर, महाराजा ऑफ किशनगढ़, महाराजा ऑफ कोटा, रीवा, MP। ये है इनके महाराणा अरविंद सिंह। अच्छा, ये इनकी वाइफ है राजमाता गुलाब कुंवर, ये इनकी बड़ी वाली डॉक्टर है जिनकी मारवाड़ में शादी हुई थी ना, ये इनकी हस्बैंड है, ये पोलो के मास्टर है, ये जयपुर रहते हैं, इनकी दोनों लड़की है। ये भी छोटी वाली डॉक्टर की शादी हुई 7 मार्च 2011 को गुजरात से भरा था। ये डॉक्टर है, ये प्रिंस की दोनों लड़की है, और ये प्रिंस का होने वाला प्रिंस है, तो ये 7 लोग रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। लक्ष्मी चौक। जब कभी महल की महारानियों को, कुंवरानियों को घर से, महल से बाहर जाना होता था, तो डोलियों से होके जाते थे, और डोलियां पालकी यहाँ खड़ी होती थी। जाने से पहले महारानियां वहाँ की एक हरिजन स्त्री का आशीर्वाद लेकर बाहर जाते थे, जो कि वहाँ पे झाड़ू लगाते थी, जिनको हेलन कहते थे। ये क्या खड़ा हुआ है? ये तोप। और यहाँ से चलते चलते हमें नजर आई ये तोप, ये ब्रिटिश सरकार की तोप है, जो कि World War I में यूज हुई तोप। माई गॉड, कहाँ से डालते थे? यहाँ से, ये लोहे की कवच, और यहाँ से, यहाँ पे जिसको भी बुकिंग करानी है इस लक्ष्मी विलास की, तो यहाँ पे आप मेहंदी फंक्शन, कोई भी सोशल फंक्शन, सोशल गैदरिंग कर सकते हैं। ये इनके रिजर्वेशन के नंबर है, यू कैन कॉल एंड चेक विद देम।
एचआरएच ग्रुप ऑफ होटल्स के अंदर में ये सब आते हैं, जो मंडप है जो महाराणा अरविंद सिंह जी है उनकी छोटी वाली रोटर बताया ना आपको जी, जिनकी गुजरात से भरत आई थी। हाँ जी, तब ये मंडप बनाया था, लगन उधर हुआ था, अब इसको नहीं है ट्रस्ट में डोनेट कर दिया ये सारा ट्रस्ट। तो ये चांदी वगैरह सारी चीज चांदी की है, झाड़ वो जो है ना जा, वो क्या झाड़ू है, झाड़ू को पकड़ने वाला भी चांदी का है भाई। वाओ, अच्छा ये है वो। चांदी की पग्गी, वाओ। और गाइस देख रहे हो, ये है 1940 की वो बग्गी जिसमें चांदी ही चांदी लगी हुई है, जिसको गिफ्ट किया था बीकानेर के राजा ने मेवाड़ के महाराणा को। रिश्तों की बात चली थी, विवाह संबंध की बात चल रही थी। और ये महाराणाओं का यूटिलिटी बैग है, ये सूटकेस है एक पूरा, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जो भी रेड गेटअप रेडी होने का, जैसे शेविंग और आपका ट्रिमिंग, हेयर ट्रिमिंग, उसके बाद में परफ्यूम्स, उसके बाद में आप ऊपर देख सकते हैं कि ब्रश भी रखे हुए हैं, हेयर ब्रश हैं और कपड़ों वाले ब्रश भी हैं, उसके बाद में शूज़ वाले ब्रश भी हैं, शीशे हैं अलग अलग। तो राजा महाराणा जहाँ भी जाते थे उस सूट बैग को साथ लेके जाते थे। और भाई चांदी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना गाइज, और वीडियो पूरे अंत तक देखना, बहुत मज़ा आएगा। सो गाइज अब हम आ गए हैं एग्जिट पर, पूरा महल हमने देख लिया है। ये था उदयपुर सिटी पैलेस, हम घुसे थे मर्दाना महल में से, निकले हैं जनाना महल में से। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बहुमूल्य चीज़ें रखी हुई हैं इस महल में, जो मैंने आज तक कहीं पे भी नहीं देखी। महाराणाओं द्वारा मेवाड़ का क्रमिक विकास, महाराणा उदय सिंह 2, महाराणा प्रताप सिंह 1, महाराणा अमर सिंह 1, महाराणा कर्म सिंह 1, महाराणा जगत सिंह 1, महाराणा जय सिंह, महाराणा अमर सिंह 2, महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा प्रताप सिंह 2, महाराणा भीम सिंह, महाराणा जवाई, महाराणा सरदार सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा शंभू सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा भूपेंद्र सिंह, महाराणा भगवत सिंह। इसको बोलते हैं तोरण। अभी क्या महाराणा की डॉटर की शादी हुई ना 7 मार्च 2011 में जी, तब ये तोरण लगाया कड़ी का, इसको बोलते हैं तोरण। तोरण पोल मतलब दूल्हा आएगा तो पहले इसको टच करेगा, तलवार से टच करने के बाद ही अंदर प्रवेश होता है। अच्छा, अब किसी की शादी होगी तब ये नया लगेगा, तब तक यही रहेगा। हमारे पास छोटा लगता है, इन्हें बड़ा। अच्छा लगाए हुक ये नीचे यहाँ लगाया था। पूरा महल देखने के बाद में अब हम जा रहे हैं, ये शॉपिंग आर्केड है और इसके अंदर हम शॉपिंग करेंगे थोड़ा, और देखेंगे वो, याद है आपको गिलहरी के बाल का जो ब्रश बनता है जिससे पेंटिंग्स है अंदर, हम वो भी देखने जा रहे हैं। अंदर अंदर घुसते ही भैया जो है ना उस पर काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये दिखा रहे हैं जो
इस आर्ट को क्या बोलते हैं, इसका कुछ नाम बोलते हैं, मिनिएचर आर्ट। मिनिएचर आर्ट का मतलब महीन से महीन काम करना। सब नेचुरल कलर है। अच्छा, इसमें मतलब कोई केमिकल नहीं है? हाँ, ये वाला कलर है, ये पिछला है। अच्छा, या तो अफगानिस्तान से। अरे वाह, ग्रीन रहता है, नेपाल से। ओह, ये अरावली माउंटेन से निकलता है। ये अरावली से अपनी पहाड़ियाँ जो है, ये वाइट होता है, जिंक होता है। हाँ, रेड ऑक्साइड होता है, ब्लैक ग्रेफाइट होता है और येलो सल्फर होता है। वन हेयर ब्रश। वन हेयर ब्रश कौन देखो ना इसका वन हेयर निकल रहा है, कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है। सो वन हेयर ब्रश आपने देखा जो कि गिलहरी के बाल से बनता है। यह है शॉपिंग आर्केड, बिल्कुल सारा कुछ हमने देख लिया महल में और उसके बाद में ये शॉपिंग करने आए। वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है, तो अब हमने सब कुछ देख लिया, यहाँ से हम शॉपिंग करके जा रहे हैं। उदयपुर सिटी पैलेस का ये टूर अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ये मुझे मोटिवेट करेगा। और नेक्स्ट व्लॉग के लिए जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।